इसमें, और स्मोकिंग के लिए ये है कि एक इसके अंदर ये पीछे से ऊपर से उड़ जाती है, ये इसमें स्मोकिंग का सिस्टम है, जो कोई करता हो वो कर सकता है बेचारा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मिलने के लिए, यूट्यूब चैनल है जिनका आंसू ब्लॉग्स, तो आज हम उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। तो अभी मैं हूँ अपने घर और थोड़ी देर में यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। उनने हमें टाइम दिया था शाम को 6 बजे का, तो अभी हम निकलते हैं क्योंकि 5:30 हो चुके हैं, कुछ ही दूरी पर वो हमसे रहते हैं। तो चलते हैं और आपको भी मिलाता हूँ, क्योंकि उनने अभी नई गाड़ी परचेज़ की है, तो वो भी दिखाने वाला हूँ। उनके यूट्यूब चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाइए और विज़िट करिए, उनका चैनल देखिए, और आपको उनकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, सूर्य अस्त की ओर है, तो कितना सुंदर लग रहा है, आप देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचने वाले हैं उनके पास कुछ ही समय में, बस 5 से 7 मिनट और लगेगी। तो दोस्तों, अभी हम मिलाते हैं हमको आसू भाई से। तो ये है हमारे आसू भाई, जिनका YouTube चैनल है आसू ब्लॉग्स से, और इनने अभी जो नई गाड़ी परचेज की है वो भी आपको दिखा रहे हैं। आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, इनने अभी वरना गाड़ी ली है। हाय गाइस, ये गाड़ी अभी हमने 3 तारीख को ली थी, और जैसे देखा था हमने कि कौन से ले, हमने जैसे थार के लिए भी सोचा था, पर थार में घर वालों की थोड़ी सी वो थी कि यार घर की वो लोफर समझते हैं, जाने क्या क्या इशू थे, इस तरह फिर हमने डिसाइड किया कि वरना अच्छी रहती है, बेटर है बहुत। फिर फ्रेंड्स को भी हमने पूछा था, तो उन्होंने बताया हमें कि वरना ले लो, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत कुछ दिखने में भी अच्छी है, लुक भी बहुत उसका प्यारा लगता है। जैसे हाईवे पे, जैसे हम वो हाईवे पे रहते हैं, तो उस पर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती इससे। और तो आप गाड़ी देख सकते हो, ये हमने ली थी 13,78,000 कुछ की पड़ी थी हमारे। और आप गाड़ी को आपको दिखा दो गाड़ी इनको। तो दोस्तों, ये गाड़ी है वरना SX टॉप मॉडल है, और भैया ने इसको 3 तारीख के दिन निकलवाई थी, और पेट्रोल में है ये गाड़ी। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं। और ये है भाई देव, ये देखिए दोस्तों, इतना प्यारा लुक आ रहा है कि गाड़ी ने तहलका मचा दिया मार्केट में। ये देखिए दोस्तों, और इनने अपनी पहचान पीछे लिखवा चुके हैं, ये देखिए आप, मैं थोड़ा इस पे फोकस करूँगा। थार का थोड़ा ये भी था ना कि वो बैक सीट पे नहीं पहुंच पाते थे, फिर ये दिक्कत थी बड़ी, तो थार का ही सोचा था थोड़ा। तो गाड़ी आपने बाहर से तो देख लिया दोस्तों, अब गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं हम आपको, गाड़ी के अंदर लेके चलते हैं, क्या कुछ है गाड़ी के अंदर। तो अभी गाड़ी चालू है, चालू कंडीशन में आपको इंटीरियर दिखाते हैं गाड़ी का, ये देखिए दोस्तों। आईफोन का भी पूरा वो है, ऑटोमेटिक हो जाता है कार प्ले से, और ये आप देख सकते हो इस कंप्यूटर 1596 चली हुई है अभी गाड़ी, ये लास्ट है, और 12-13 का एवरेज दे रही है लास्ट है, मेरे को तो ये लगता है इससे ज़्यादा लास्ट है 15 तक दे देगी, और तो ज़्यादा होगा नहीं इसका। और आप सनरूफ देख लो इसका, अब आपको और भी गैप चाहिए हो तो और भी कर सकते हो इसे पीछे, बस लास्ट ये है इसका, और एक ही पुश बटन है बस आने के लिए, बस एक ही इशू है इसके अंदर, इसको खुद को अपन को हैंड से करना पड़ता है स्मोकिंग, बस स्मोकिंग का और बता रहे थे ना इसमें, और स्मोकिंग के लिए ये है कि एक इसके अंदर ये पीछे से ऊपर से उड़ जाती है, ये इसमें स्मोकिंग का सिस्टम है, जो कोई करता हो वो कर सकता है बेचारा। ध्यान रखा है पूरा कंपनी ने, पूरी कंपनी ने सब कुछ सोच समझ के पूरी फैसिलिटीज के अंदर दी है मेरे हिसाब से, मेरे को तो बहुत बेटर लगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस ओनली कभी घर जाना पड़े तो थोड़ा सा रोड के हिसाब से बस वो है, और तो कुछ नहीं है, और तो बेटर है। आप देख सकते हो बैक साइड भी अच्छा स्पेस है, और पीछे को एसी का भी है, एसी का पॉइंट भी दे रखा है, पीछे की बैक साइड की जो सीटें वो भी कम्फर्ट है, और आपको मैं चार्जिंग पॉइंट दे रखा है इसमें, ये भी दिखा देता हूँ, ये देखो नीचे चार्जिंग पॉइंट है,
देखो पूरी एसी फेस ये इंटीरियर स्पेस स्पेस फुल दिखा दे बैटरी गाड़ी की फुल बढ़ाई कर दे। ये जो इंटीरियर देख रहे हो आप ये और ये लाइट है दो आगे हैं और एक पीछे है। ये ग्लासेस का जो बॉक्स है इसको पुश करना होता है। इसमें फिलहाल भैया ने शायद हाँ फर्स्ट एग रख रखा है। ये आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी तो भैया का सामान है इसके अंदर। एक बार भैया निकाल के बताओ ना बहुत अंदर तक। ये देखो आप काफ़ी है। अच्छा भैया ने बेस भी लगा रखा है JBL का शायद। हाँ JBL का है काफ़ी है कवर तक रखा काफ़ी है बूट स्पेस। तो चलो लगा दिया है ऐसे तो अच्छी है पर क्या है जंप में हमको पूरी गाड़ी स्लो करनी पड़ती है ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है और मतलब धीरे से निकालनी पड़ती है और देखना पड़ता है भाई टच तो नहीं हो गई। बस एक ही प्रॉब्लम है पूरी गाड़ी के अंदर और तो चीज है पूरी आप कहीं भी देख लो। व्हाइट कलर भी सोचा था हमने लेने के लिए पर ब्लैक ज्यादा प्यारा लगता है क्यूटनेस में हर चीज। इसका रिएक्शन भी बहुत ज्यादा पड़ता है। तुम्हारे भी किसी के लेने हैं तो ले आराम से अच्छी गाड़ी है। अगर तुम दोस्तों किसी में लेना हो तो आराम से ले सकते हो बहुत अच्छी। टॉप मॉडल में कुछ भी वो ना है जैसे लो मॉडल आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। बस थोड़ा जंप का यही जंप में टच होने की दिक्कत है सड़ान है ना इसलिए होती है प्रॉब्लम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? मैंने आपको उनसे मिलाया और उनके गाड़ी के बारे में बताया सब कुछ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।